still drive me crazy. वेखी अद्धी रात नू व्लॉग वेखन डी होए। ओके गाइस, तो ये है मेरी फैमिली, ऐसे निग चे बैठी है और मैं ठंड चे ठुठुर ठुठुर के डाइनिंग टेबल पे बैठ के एडिट करके आई हूँ। एंड ये दोनों कुछ करते नहीं है, सोंदे करते हैं यहां नु सोंदे के करते वीडियो के वेखने आ सोजो कर। बोलो सारे लोग ही कहते नानी नु मिलना, नानी नु मिलना। हां जी जल्दी तो मिलांगे जी। ले थ्रू कैमरे थ्रू ही। हां जी कैमरे थ्रू मिलांगे। हां जी होर भैन जी। भैन जी प्यारे बच्चियो, सत श्री अकाल प्यारे बच्चियो। 1 2 3 गो। सत श्री अकाल प्यारे बच्चियो, होर किद्दां ठीक ठाक हो? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है आलू के परांठे के साथ। एंड आज मेरी मम के घर पे हैं हम लोग और आगे का सफ़र शुरू करने वाले हैं। हम जाएंगे चंडीगढ़, आज की रात वहाँ पे रहेंगे। देन हमारी सुबह कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होने वाली है। वेरी एक्साइटेड साउथ वाली साइड जाने के लिए। पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में भारत दर्शन पे निकलने वाली हूँ। और ये आलू के परांठे खा रहे हैं और ये मेरी ज़िंदगी का पहला टाइम होने वाला है जिस दिन हम लोग, मेरा हस्बैंड मेरे गए थे बचपन में, बिंगली पहनवान थे जब। ओके दोस्तों, तो फिर ये बता रही थी मैं कि पहली बार हम लोग साउथ इंडिया में जाएंगे और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं सद्गुरु वाले प्लेस पे जाने के लिए। देखते हैं कि हम उनको देख पाएंगे कितनी पास से कितनी दूर से। पर लकीली कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है 31 दिसंबर को और दर्शन भी करेंगे वो एंड क्वेश्चन आंसर भी होने वाले हैं। देखो आप भी देखेंगे कि क्या होता है वो। उसके बाद हम केरला जाएंगे कटला करी खाने के लिए। सारे कुछ दिखाऊंगी मैं आपको, ओके? चिंता मत करना कोई भी। पर मुझे लग रहा है ये वाली वीडियो बहुत लंबे समय के बाद जाएगी और हम व्लॉगमस करने के लिए तो कामयाब हुए नहीं। 10 दिन मिस हो गए मुझसे और क्रिसमस ख़त्म भी होगी। सो हमने ना काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि हम अंदर रह पाएँ ईशा सेंटर के, और हमने काफ़ी अर्ली बुक करना भी सोच लिया था कि हमें जाना है। मिला था 2-3 हफ्ते पहले, पर फिर भी वो इतना फुली बुकड है क्योंकि सदगुरु है वहाँ पे, तो हमें नहीं मिली है जगह। हमने अंदर से वास्ता भी लगवाया बट स्टिल ट्राइंग कि अंदर रह पाए, पर जगह नहीं मिली है। सो हम कोयम्बटूर में बाहर बहुत क्लोज है किसी का घर है ना, किसी के घर चलाना ना हाउस गेस्ट बनना। ओके, वहाँ पर इतनी दुनिया जाती है कि गांव में लोगों ने होटल्स बना लिए हैं, गेस्ट हाउसेस, तो या वहाँ पर रहने वाले हम। पर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मुझे लग रहा 10 मिनट की वॉक ही है ना भाव, 10-15 मिनट दूरी है। हम लोगों ने प्लान तो बनाया था कि हम लोग जल्दी आ जाएं ताकि मेरी मम के पास ज़्यादा रह पाएं और उसके बाद चंडीगढ़ भी 1-2 दिन रह लें एंड देन जाएं। पर हमारे वो बेस्ट फ्रेंड की बेटी की बर्थडे था विशाल की, तो हमने सोचा कि उसका बर्थडे हर बार हमसे स्किप होता है तो इस बार नहीं करें, देख लें। तो एक दिन ही रह गया, एक दिन मम्मी के पास रहेंगे, एक दिन इनके कज़न के पास रहेंगे चंडीगढ़ में। एंड जब वापस आएंगे हमारे ट्रिप से तो हम कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ थोड़ा रह लें, उसके आसपास घूम लें। एंड दैट्स इट। तो कुछ कहना चाहोगे? हस्बैंड कहना चाहेंगे कुछ? Solo, alone again. To me, why the brightest star in the
sky. Oh, why do you cry? Why do you cry? Do not fear, we've been here before. ओके सो ये है मशहूर बंगाली स्वीट्स. मेरे हस्बैंड ने यहाँ से रसगुल्ले खाते हैं. आंटी सवेरे गोलगप्पे खाने में शुरू करते हैं. सो हमने थोड़ा बहुत कम किया है एंड वी आर रेडी टू गो नाउ. ओके गाइस बहुत ज़्यादा रश पड़ गया है. सीधा सीधा उस पास से नहीं खाना. लाइटा तो नहीं है? लाइटा तो नहीं आती है. I see you hide yourself. सफ़र शुरू कर लिया है चंडीगढ़ के लिए. एंड यहाँ से चंडीगढ़ 120 किलोमीटर्स है. एंड मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि आज ना हम किसी रोड साइड ढाबे से फूड खाएंगे. हमने खाया नहीं जब से हम आए हैं. और हमें आया तकरीबन 1 month हो चुका है. एंड रब की दया है कि हमारी सेहत भी ठीक रही है. फ्लू नहीं होया कुछ भी. एंड ढाबे वाली दाल एंड रोटी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. एंड हस्बैंड भी टाइनी बट है. हम लोग पहुँचे हैं गढ़शंकर. एंड यहाँ पे एक जूस की रेडी है. हस्बैंड जूस की फेसबुक ने भी ना लोग काम भी खराब करता. सारे ही ब्लॉग बनाई हाँ. मैं तो फेसबुक पे पानी भी नहीं पाना पैना गाइस. मुझे फेसबुक पे आना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा. गोलियाँ चमकाता हुआ एक बंदा सारियाँ गोलियाँ खुद ही लेके बह गया. It's so irreplaceable.
राइट दोस्तों, तो हमने हमारा फूड ऑर्डर किया है और अब हम सबरी से इंतजार कर रहे हैं दाल एंड रोटी खाने का। हिम्मत तेरा की मन कर रहा है सबसे ज़्यादा खाने का दाल और मिर्च खाने पानी की बोतल वो देखो अन्नी को मिर्च तोड़ के ट्राई कर बेचारा हिम्मत बोलने ना कर वो पानी आंदे पानी आंदे नो आई वांट माउंटेन ड्यू मेरे बाल कटवा दो आई एम बाल्डी ऑलरेडी इसको बाल डाल दिए मेरा ओह या लाइक बाल्डी The keys under the front door mat. Though it won't be long until I row home. Please allow me to love you like my last. My slumber got disturbed. Only hoping. हमेशा की तरह सबने खाना खा लिया है एंड ये लिटिल लाई लेट लतीफ स्टिल कोई गॉन मैनू लगता नहीं पति को ये बात सुनेगी क्योंकि तो पति के कान थोड़े वीक हैं तो सुन गई है आई डोंट नो So I'll ask how is life in Hollywood if all your dreams came true? And how come every time we talk you act like you're too cool? The city of angels has you entangled in a chimera of a dream. How is life in Hollywood for you? टिकट मैं तो करवा लूं पब्लिक गजरा लेके ये चल आओ ना तू कर ले दिस इज नॉट द वे व्हाट यू आर लाइक एंड इट्स द फ्यूचर एज यू कैन सी साइड ये सीवी है भाई काले वाली जड़ी है हो गई है एक बॉटल ला लो दोस्तों तो हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं एंड हमारी फ्लाइट है कोयंबटूर के लिए कितने बजे बो 7:20 पे है एंड 6:30 हुए हैं अभी एंड हमने सारा कुछ चेक इन कर लिया है अपना बैग एंड नाउ इट्स अ वेटिंग गेम एंड वेरी एक्साइटेड और हमें अज भी मिल गए थे
ईशा सेंटर च। ओके दोस्तों, तो आज की हमारी अकोमोडेशन ईशा सेंटर के अंदर हो गई है। कल वाला दिन नहीं है, परसों वाला है, तो कोशिश करेंगे कि मिडिल वाला दिन भी हमें मिल जाए। एंड आज 31 दिसंबर है एंड कितनी एक्साइटेड है हम लोग हमारे न्यू ईयर की शुरुआत करने के लिए ईशा सेंटर से। आज मिडनाइट पे जब न्यू ईयर होगा हम लोग वहीं पे होंगे, राइट डैडी? न्यू ईयर की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है एंड आज हम शाम तक सदगुरु को देख भी पाएंगे होपफुली। एंड यस, हमारी फ्लाइट डिले हो गई है। ओके, शायद हमारी ना फ्लाइट थोड़ी डिले हो रही है। मिस्टर अक्षय ने तो गाला गाने लग पी कल। मिस्टर अक्षय जो है चेन्नई में जाना है। मिस्टर अक्षय चेन्नई जाना है। सो मिस्टर अक्षय राम ना भाई। ऑल राइट दोस्तों, तो हमारी फ़्लाइट नॉर्मल 7:20 पे थी बट वो काफ़ी डिले हो गया, आई थिंक 4 घंटे। एंड अभी 10 बजे हैं और 10 बजे आते हैं बहू। सो नाउ हमारी फ़्लाइट होने वाली है 10:50 पे और जिस इवेंट के लिए हम जाना चाहते थे मुझे लगता है वो हमसे मिस हो जाएगा क्योंकि वो 6:20 पे है और अब हम एयरपोर्ट पे ही 7:30 पे पहुँचने वाले हैं शाम को। सो फिंगर्स क्रॉस कि ये नहीं अटेंड होगा तो कुछ और हो जाए पर हम सदगुरु से मिल पाएँ। अभी भी हमारे पास 50 और मिनट्स हैं, देन बोर्डिंग स्टार्ट होगी। पर इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट खिलाया अभी, पूरी भाजी। हस्बैंड एंड मैं और हिम्मत खा के आए हैं। Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way. Mama, why maybe you just need some help getting back. But that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl, but I'm stuck on this rural street. And my smile won't come, but my hair still curls. And I guess that's how they recognize me. And now still waiting game is still on. पर ये चंडीगढ़ का एयरपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये ना अमृतसर के एयरपोर्ट से काफ़ी बेहतर है। हस्बैंड काफ़ी एंग्री है। गाइज यहाँ पे ना कई लोग इतना बुरा खांस रहे हैं ना, इतना बुरा, और उन्होंने मास्क भी नहीं पहने, एकदम आपके मुंह पे आके खांसना शुरू कर देते हैं। मुझे बहुत डर लगता है जब आप ट्रैवल करते हैं तो बीमार होने से बहुत डर लगता है मुझे। साउथ इंडिया जी जाके प्रॉब्लम ही नहीं आनी, तो तमिल तेलुगू कन्नड़ा तो मलयालम आंदी है। एक तो फिल्म गुल्लू सर गुल्लू गुल्लू मॉन्स्टर दिया वेख दे, वो तो रोटी डोसा खाने। साउथ इंडियन मतलब हिंदी नहीं होती। ये मलयालम कन्नड़ा तेलुगू तमिल वाला बंदा तमिल। Thank you.
चुके दोस्तों, तो हम चेन्नई एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं एंड अब बस से आई थिंक दूसरे टर्मिनल में जाएंगे जहाँ से हमारी फ़्लाइट होने वाली है कोयम्बटूर के लिए। और यहाँ पे वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, 30 डिग्रीज है आई गेस, राइट? इट्स वेरी नाइस एंड हॉट। लुक, फिर तो जाई जैसा कोट पकड़ना पड़ेगा। मैं कह गई तो जाई वाले का कोट कम नहीं आएगा गर्मी में। That's it. ओके, सो हम चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे है क्रिस्पी क्रीम एंड वहाँ से मैंने कॉफ़ी ली है एंड हिम्मत के लिए मैंने लिया है डोनट। सो हस्बैंड पीना चाहते हैं मद्रास स्टाइल कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी, तो वो अदर साइड पे है। हिम्मत को एक जगह पे बिठा दिया हमने, उसके बाद हस्बैंड अपनी कॉफ़ी लेने जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है मेरे पास, लाइक गर्म नहीं पीना चाहती मैं, कुछ ठंडा पीना चाहती, तो मैंने मेरे लिए ली है आइस कैपेचिनो क्योंकि इनके पास रेगुलर आइस कॉफ़ी है ही। सो लेट्स सी कैसी होती है। ओके, सो ये है मेरी क्रिस्पी क्रीम आइस्ड कैपेचिनो, और जब मैंने इसको लिया ना तो और भी लोगों ने सोचा कि हम भी यही पीते हैं। साइज़ देखो कितना बड़ा है एंड ग्लास की बॉटल है, सो क्लासी, राइट? एंड हिम्मत का डोनट भी बहुत अच्छा था। हिम्मत, यू लाइक्ड इट? इट वाज फ्रेश। यस, आई वांट वन मोर फॉर दैट बिकॉज़ दैट वाज सो टेस्टी, आई वांट टू ईट इट। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग बैठ चुके हैं फ्लाइट में जो कि चेन्नई से कोयम्बटूर जाएगी। एयरपोर्ट से ईशा योगा सेंटर 1.5 घंटा दूर है एंड पहले के हिसाब से हम, मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटा पहले पहुंचने वाले थे, पर अब हम लेट हो जाएंगे, देखते हैं। क्योंकि हम जो आज वहाँ पे इवेंट होने वाला है वो सारा देखना चाहते थे, वो 6:20 पे शुरू होने वाला है, पर देखते हैं कि क्या बनेगा। 7:30 के करीब पहुँच जाएंगे हम वहाँ, बट ये अच्छा है कि आज की नाइट अंदर ही अकोमोडेशन मिल गई, हमें दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही रहेंगे। वेरी हैप्पी बॉट। हम लोग पहुंच चुके हैं चेन्नई के एयरपोर्ट पे और अब हम लोग टैक्सी करेंगे ईशा सेंटर जाने के लिए, और बहुत अच्छा गर्म मौसम है एंड एयरपोर्ट के आके बाहर ना मज़ेदार है, लाइक काफ़ी नाइस एंड क्लीन। सो हमारे टैक्सी ड्राइवर ने 10 से 15 मिनट फ़ोन पे कन्वर्सेशन करने में लगा दिया कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि चेन्नई में कोयम्बटूर में फॉर सम रीज़न उबर या ओला नहीं चलती है, वो लोकल ही गाड़ियाँ टैक्सी होती है एंड वो बुक कर लेते हैं ओला के हिसाब से, पर वो बोलते हैं कि मैं मीटर के हिसाब से नहीं जाऊँगा, मुझे इतनी पर्टिकुलर रकम चाहिए, मैं तभी आऊँगा। तो हमने कहा कि एक बार आते जा फिर बात करते हैं, तब वो आ गया और उसे हमने बताया कि हम ईशा सेंटर पहुँचना चाहते हैं इस समय से पहले, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि हम वो इवेंट में जाना चाहते थे। उसने कहा कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। वो वैसे बहुत ही रैश ड्राइवर था, उसने बहुत हड़दंग मचाया एंड फिर उसको एक एम्बुलेंस मिल गई जिसके पीछे पीछे जाके उसने काफ़ी रास्ता कवर कर लिया, क्योंकि एम्बुलेंस को सभी रास्ता दे रहे थे। और उस दिए हुए रास्ते को वो भी यूज़ कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली हम ईशा सेंटर तक पहुँचते काफ़ी लेट हो चुके थे, पर मैंने ये कोयम्बटूर एयरपोर्ट से ईशा सेंटर का जो रास्ता है बहुत इन्जॉय किया। वैसे तो इंडिया सारा ही सेम है, बट यहाँ पे दुकानें अलग तरह की लग रही थी मुझे एंड लोग कुछ अलग किस्म के थे।
जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके हिसाब से यहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा सिंपल हैं नॉर्थ के मुकाबले. सिंपल कपड़े हैं, सिंपल गाड़ियाँ, सिंपल तरीके से ज़्यादा रहते हैं. हमारे नॉर्थ में थोड़ा यू नो शो ऑफ मुझे लग रहा ज़्यादा करते हैं. एंड ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है ये रूट ईशा सेंटर का. सो हम ईशा सेंटर के गेट पे पहुंच चुके हैं. उन्होंने चेक किया कि हमारी बुकिंग है अंदर जाने के लिए और अब हम रिजर्वेशन करेंगे. आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मेरे 2-3 दिन का जो हम ईशा सेंटर में रहने वाले हैं कि ओवरऑल मुझे कैसा लगा. और सारी चीज़ें मैं जो आपके साथ बता सकती हूँ वो अगली एक ही वीडियो में हम सारा 3 के 3 दिन उसमें डाल देंगे. उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है. मैं जल्दी आपको नए वीडियो में मिलती हूँ. अपना ख्याल रखिए दोस्तों. And bilkul mat bhule, you guys are beautiful the way you are. Stay happy, confident and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. Easy peasy lemon squeezy. Bye, love you.